हो गया। देखो सिक्स क्लास में लोग आज भीम समझ रहे हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं और भीम बराबर अंश बता के हर होता है। जब हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो मान लिए कि अगर हम लिखते हैं 2/3 तो इसमें ये जो ऊपर वाला भाग है उसको अंश बोलेंगे और नीचे वाला को हर। आज हम लोग पहले सीखेंगे कि किसी भी संख्या किसी भी मतलब आकृति में कैसे कोई भाग को या भिन्न को हम निरूपित करते हैं, तब फिर बाद में हम लोग सीखेंगे कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। समझ में रहा है? जैसे हमारे पास एक आकृति है, यह पूरा एक भाग है, जब इसको देखेंगे बीच से इसे काट दिया गया है, दो भाग में बांट दिया गया है। अगर एक भाग को अगर कोई पेंट कर देगा इसे ऐसे कटा हुआ भाग को, तो पूछेगा कि बताइए कि ये पेंट वाला भाग का भाग क्या है, तो आपको बताना होगा 1/2, क्योंकि दो भाग में ही है। अब पेंट किया गया है कितना भाग में? एक भाग। इसका मतलब कि पेंट किया हुआ भाग कितना होगा? 1/2 होगा। इसी तरह से और भी आकृतियाँ हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो हमको कितना भाग में दिख रहा है? 3 भाग। कितना भाग में दिख रहा है? इसमें से किसी एक भाग को हम पेंट कर देंगे, इसी एक भाग को क्या करेंगे? पेंट कर देंगे। तो क्या लिखा जाएगा पेंट वाला का भाग? 1/3। अब बिना पेंट वाला का बारे में पूछेंगे तो 2/3 होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से मान लिए कि अगर हमको ऐसा कोई आकृति पूछ देगा कि इसमें कितना भाग में ही बटा हुआ है, पहले काउंट कर लेंगे, है ना? कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 उधर हो गया, 6 नीचे, 12 भाग हो गया। अब एक भाग कोई पेंट करेगा तो पूछेगा कि पेंट किया गया भाग कितना है? 12। तो इस तरह से हम किसी आकृति में रंगे हुए भाग को निकालते हैं और बिना रंगे हुए भाग को निकालते हैं। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे अभी और देखो एक उदाहरण मेरे पास और है कटा हुआ, आप किसी को समझेंगे। ये देखो कितने भाग में कटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 में से मान लिया अपना एक यहाँ रंग दिए और एक यहाँ रंग दिया, ठीक है? अब पूछा कि रंगे हुए का भाग बताइए, तो 2/6 काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब मान लिया कि इसमें एक ही गो के भाग पर पूछते कि एक रंगे हैं, तो बोलो कितना लिखाएगा? 1/6। समझ में आ रहा है? अब इसी को प्रश्न को हम किताब में देखेंगे तो समझ में आएगा कि रंगे हुए का भाग कैसे निकालेंगे, बिना रंगे हुए का भाग कैसे निकालेंगे। चलो ठीक है, काटो।